कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है तो अभी दीदी आई हुई है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो ये भी कह रही थी कि मैं भी नदी पार चलती हूँ और जहाँ मंदिर में वहाँ काम लगा रखा है, जब देखती हूँ क्या क्या है, कितना कितना है, कितना काम हो गया है करके। तो अभी ये नदी पार कर रहे हैं। आजा आजा, आराम से आ। तो फिर चलते हैं भी नदी पार को, मतलब नदी पार कर लेते हैं, मतलब मंदिर को। ये देखिए जीजा जी नदी में, नदी से हमारे गांव में जो गुलजू का मंदिर है उसको शूट कर रहे हैं। तो धुंध आ रही है, चलो कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं मंदिर को। जय बजरंगबली, संकट मोचन, जय हो। तो आप देख रहे होंगे पुताई का काम भी सारा निपट चुका है। ये देखिए सब पूरा गेट में भी, ये देखिए जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ये देखिए क्या बात है, मज़ा आ गया। ये देखिए, ये देखिए, ये शिव मंदिर इधर पूरा पेंट हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना टूट गया था। ये देखिए, ये ऊपर सब टूट चुका था ना, तो ये सब बन गया है। ये देखिए, ये मंदिर का ऊपर का हिस्सा दिखा रहा हूँ, गोल्डन कलर पे के गुंबद बना दिए गए हैं, फर्स्ट क्लास। ये देखिए, ये देखिए, ये मंदिर के चारों ओर का नज़ारा है। ये देखिए नीचे ये रेड कलर है। ये देखिए, ये देखिए, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, अब आप ऐसा है, आप एक काम कर दीजिए तो बड़ी कृपा बनी रहेगी आपकी भी, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए क्योंकि ऐसा है, ये जो है निमंत्रण है। तो फ्रेंड्स, अब एक काम ये करना है, वो काम आपका है, प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं आप, वीडियो को शेयर कर दें जिससे मेरा निमंत्रण और जगह तक पहुंच सके। 21 अप्रैल अखंड रामायण, 22 तारीख को पारायण के बाद भंडारा। तो ऐसा है, सभी भक्त जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी, उनको भी इसमें आमंत्रित हैं, अखंड रामायण में और प्रसाद ग्रहण करें। और साथ में ही जिसको भी आप शेयर करें, जहाँ जहाँ भी मेरी जो जो भी मेरी वीडियो देखे वो यहाँ पर आए, प्रसाद ग्रहण करें। यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि इससे पहले जब चाचा थे तो 12 साल यहाँ पर अखंड रामायण करने के बाद चाचा ने पारायण कर दिया था। तो होता ये है कि उसके बाद पारायण करना ज़रूरी होता है 12 साल के बाद। फिर यह है कि चाचा जी एक्सपायर हो गए, तो और उसके बाद मामा जी भी हमारे यहाँ से चले गए, वहाँ हल्द्वानी, वो हल्द्वानी बस गए हैं। तो अब ये है कि यहाँ पर हम ही लोग हैं, तो ये हमारा फर्ज भी बनता है, ये धरोहर है हमारी, आपकी सभी की। क्योंकि ऐसा है, हनुमान जी तो सभी के हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दें, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे। जैसा कि आप देख रहे होंगे पहली वीडियो में देखा होगा आपने, पूरा टूट चुका था सब, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। तो यह है कि पूरा सब कुछ सही हो चुका है, और यह है कि आगे आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हर साल इसमें अखंड रामायण भंडारा होगा। लेकिन हर 12 साल में हमें भी इसमें पारायण करना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 21-22 अप्रैल को, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, जय श्री राम। और दोस्तों एक बात, वीडियो में जय श्री राम लिखना ना भूलें या जय हनुमान। तो बाकी ऐसा है, ये दीदी भी आई हुई है, आप देख रहे होंगे, ये भी कह रही थी क्या क्या कर रहा तू, क्या क्या कर रहा वहाँ पर, तो देख के आते हैं। मैंने कहा चलो देख के आते हैं। तो हमारे बालाजी ग्रुप के अभी जो मेंबर हैं वो तो अपने अपने कामों में हैं, अभी मैंने उनको फ़ोन किया था, कह रहे यार अभी बिजी हूँ,
तो ज़रा मैंने कहा ज़रा इधर मूर्तियों में भी कुछ काम होना है। तो बोले कि यार वो सब बात हो चुकी है बाबा जी से, तो क्योंकि बालाजी ग्रुप ऑफ यूनिट जो है हमारी, बस वही इस काम को वो कर रही है। क्योंकि इस साल तो हमें कहीं मंदिर में जाना है नहीं, मतलब क्योंकि हमें हम तो बाहर बाहर से शूट कर रहे हैं। आप मेरी कोई भी अगर वो देख रहे होंगे, मैं मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करता हूँ। हाँ, आंगन में चले जाऊँगा मंदिर के, लेकिन ये है कि मंदिर के अंदर जहाँ भगवान बैठे हैं वहाँ प्रवेश नहीं करता हूँ। तो वहाँ पर जो भी मेरे साथ होता है मुझसे कहता हूँ यार कैमरा अंदर ले जा दे, जहाँ पर नहीं होता वहाँ वहाँ पर दूर से शूट किया या जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये है नज़ारा। तो 21-22 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय। जय श्री राम, जय हनुमान। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ये रहा गर्म पानी नदी पार हनुमान धाम का नज़ारा। जय बजरंगबली। ड्रोन से ली हुई ये कुछ फुटेज हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों 21-22 को आप सादर आमंत्रित हैं। जय जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि आपको इनविटेशन देना, निमंत्रण देना, और मेरा आप सभी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें, और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है मेरा, 21-22 अप्रैल को आप सादर आमंत्रित हैं। आइए, अखंड रामायण 21 तारीख को, अखंड रामायण 22 को, पारायण के बाद भंडारा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।